नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। फूस छप्पर से बने 8 घर जलकर राख हो गए, साथ ही घर में बंधी 12 बकरियां भी झुलस कर तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों के अथक परिश्रम और मेहनत से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। कानपुर पहुंचे सपा सांसद जिम्पल यादव ने कानपुर के मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए रोड शो किया। कानपुर के किदवई नगर के हनुमान मंदिर में जिम्पल यादव ने पूजा अर्चना की। कानपुर के मेयर प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने भी मेयर प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। मेयर को प्रत्याशी की जीत होने का रागिनी सोनकर ने दावा किया है। 11 वर्षीय मासूम का खून से लथपथ शव मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से बच्चे की मौत हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने गांव के ही एक शख्स पर हत्या की आशंका जताई है। मृतक 11 वर्षीय शरीनपुत्र गुड्डू निवासी ख्वाजा गिमपुर हेमा का रहने वाला बताया जा रहा है। बांगरमू कोतवाली के जमुनिया बांगर गाँव के मजरा ख्वाजी हेमा गाँव की पूरी घटना है। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी फिल्म द किलर स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को लोक भवन में अपनी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को कहा था कि द केरला स्टोरी आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करने वाली फिल्म है। इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द केरला स्टोरी देखी है। द केरला स्टोरी का प्रीमियर देहरादून के पीवीआर हाथी बड़कला में किया गया। फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ कुछ राज्यों में इसके खिलाफ दुष्प्रचार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया है। इस बीच फिल्म के क्रू मेंबर को धमकी मिलने का मामला सामने आ रहा है। द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी मिली है। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव बोबोल बुजुर्ग के पास दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। सोमवार को सहारनपुर के नवीन नगर निवासी नरेंद्र प्रताप पुत्र राम गुलाल थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गाँव शेरपुर में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर तैनात थे। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में शिवालिक प्रभाग की मोहन रेंज में देर रात अवैध हथियारों के साथ नहीं प्राणियों का शिकार करने आए 4 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने घेर लिया। इस पर शिकारियों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर शिकारियों को छुड़ा लिया, परंतु वन विभाग की टीम ने जान पर खेल कर 2 शिकारियों को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि 2 शिकार भागने में कामयाब रहे। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए दोनों शिकारियों को बिहारीगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। देर रात वन विभाग को सूचना मिली कि कुछ शिकारी पेलिंग के जंगल में निरीह प्राणियों का शिकार कर रहे हैं। और एम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हजारों युवाओं ने अपने शहर में स्वीकार कर प्रत्याशी राजकुमार दुबे के पक्ष में माहौल बनाया और समर्थकों के द्वारा दावा किया गया है कि यहां नगर पालिका परिषद पर अब की बार राजकुमार भैया को जिताना है। और यह शहर की सड़कें भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब देखते ही विपक्षों के समीकरण गड़बड़ा गए और नगर वासियों को भी लगने लगा है कि माहौल पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बदायूं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने शहर के लाइव लॉन में जनसभा में फातिमा रजा को वोट देने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं है, निवर्तमान चेयरमैन ने शहर को नरक में तब्दील कर दिया है। फातिमा रजा का पिछला कार्यकाल सभी को याद है। सफाई व्यवस्था से लेकर शुद्ध पेयजल और स्ट्रीट लाइट से सड़कों को रोशन करने का काम उन्होंने किया है, जबकि निवर्तमान चेयरमैन ने जनता के लिए गंदगी के ढेर, टूटी सड़क और अंधेरी गलियों में ढेर दिया है। ऐसे में आम जनता को 11 मई को होने वाली मीटिंग में 11 मई को होने वाली वोटिंग में रिक्शा चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अधिक से अधिक मतदान कर फातिमा रजा को चेयरमैन बनाने का काम करना होगा। अजीतमल सीएससी में जिला पंचायत अध्यक्ष और अय्यर द्वारा डॉक्टर और स्टाफ के साथ मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बयान जारी कर मामले को उठाया है। आज शाम औरैया पहुंचेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और करीब होटल देव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मारपीट के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर 2 दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कमरे में बंद कर स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर को भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मारा पीटा गया था।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र में 11 मई 2023 को प्रदेश के 38 जनपदों में स्थानीय निकायों के चुनाव में स्वतंत्र निष्पक्ष और निर्भीक मतदान को सुनिश्चित करने की मांग की है। राजेंद्र चौधरी ने पत्र में लिखा है कि निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जो 4 मई 2023 को 37 जनपदों में संपन्न हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के साथ मतदान केंद्रों में भी अनपेक्षित बदलाव किए गए हैं। इससे हजारों की संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह गए। उन्होंने 11 मई 2023 को सभी 38 जनपदों में किसी भी किस्म की धांधली रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। दबंग महिला ने सर्प कारोबारी को चप्पल से पीट डाला। महिला ने कारोबारी उसकी पत्नी को भी पीटा है। लेनदेन के विवाद में महिला ने पिटाई कर दी। सर्प कारोबारी महिला के बीच मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सर्प कारोबारी ने पुलिस को तहरीर दी है। पाली कस्बे के बाजार मोहल्ला निवासी पीड़ित दंपति है। ललितपुर में बारात में जा रहे कुछ युवकों ने गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर एक युवक को अपना निशाना बना दिया। बीच सड़क पर जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं। ये सभी युवक गांव धरपुरा से जाखरौन बारात में जा रहे थे। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत नवीन गंडा मंडी के पास का बताया जा रहा है। केसरगंज से बहराइच मरीमाता मंदिर दर्शन को बाइक से जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। साइकिल सवार को बचाने में हादसा हो गया, चार घायल हो गए। केसरगंज लूथनपुरवा निवासी नीरज कुमार अपनी माता और तीन छोटे भाइयों के साथ मोटरसाइकिल संख्या UP 32BV 4734 से सवार होकर बहराइच मरीमाता मंदिर दर्शन को जा रहे थे कि फखरपुर विद्युत उपकेंद्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर साइकिल सवार को बचाने के लिए होकर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 11 मई से 11 जून तक बहराइच से स्थित हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह उलह के आस्तानी पर एक माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध मेला जेठ की तैयारियों की समीक्षा के लिए दरगाह शरीफ स्थित गोल कमरे पर जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद गैर जनपदों से आने वाले मेलार्थियों के वाहनों को खड़े करने के स्थलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने अनारकली और मेल क्षेत्र में साफ सफाई, फॉगिंग, नालियों में एंटी लार्वा के छिड़काव, अनारकली झील की सफाई हेतु नगर पालिका और पंचायत राज अधिकारी को निर्देश भी दिए। देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के बर्दगोनिया गांव में एक बार फिर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो चुकी है, जिसका अमल अतिक्रमणकारियों ने हटाने का जिम्मा लिया था, जिसको आज जिला प्रशासन द्वारा साफ कराया गया है। इस दौरान अतिक्रमणकारी और अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, जो अफसरों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, जो जांच का विषय है। इस संबंध में ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह शाही उर्फ सैलू सिंह ने कहा है कि इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार बेघर हो गया है, जिसके जांच कराने और कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी से शिकायत की जाएगी। तो वही रुद्रपुर तहसीलदार अभिराज ने कहा है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। झांसी में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौनी शाक्य ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और उनके समक्ष भी साक्ष्य रखे। मौनी शाक्य के ऊपर झांसी के थाना प्रेमनगर में चार लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरी बात विस्तार से बताई। इसके अलावा अधिकारियों के समक्ष सभी वीडियो साक्ष्य भी रखे गए। उन्होंने कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। जिले में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। देर रात भी सड़क पर खराब खड़े ट्रैक्टर में 18 वर्षीय किशोर भिड़ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। भिंगा के खरगौर मोड़ के पास यह हादसा हुआ। केंद्र सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल डिवाइस का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से जहां एक ओर आपका डाटा सुरक्षित होगा, तो वहीं मोबाइल चोरी का नाम चोरों के लिए आसान नहीं होगा। यदि मोबाइल चोरी हो भी जाता है तो वो तत्काल पुलिस की गिरफ्त में होगी। जी हाँ, एक ऐसा डिवाइस सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, उसके माध्यम से किसी भी चोर को पकड़ना आसान हो जाएगा। इस डिवाइस का नाम है CIR डिवाइस। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि CRI पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सरकार की महत्वपूर्ण मुहिम है। इस डिवाइस के माध्यम से सभी मोबाइल फोनों का IM नंबर एक जगह रजिस्टर किया जाएगा। गोरखपुर क्लब के टेनिस कोर्ट पर आज से शुरू हुई 3 दिवसीय छोटेलाल मेमोरियल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ एनी रेलवे मैकेनिकल वर्कशॉप के डिप्टी मैकेनिकल इंजीनियर MK सिंह ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जूनियर वर्ग से लेकर सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता खेली जाएंगी। फाइनल 9 मई को खेला गया है। प्रतियोगिता के आयोजक आनंद जीत लाल ने बताया कि यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है।
रायबरेली में सिरपरे आशिक का वीडियो वायरल हुआ है। सिरपरे आशिक प्रेमिका का विवाह तय होने से बौखला गया। उसके घर पहुंच गया, धमकी देते हुए कहा कि कहीं और शादी की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सिरपरे आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला मिल एरिया थाना इलाके का है। यहाँ रुस्तमपुर गाँव की रहने वाली युवती के पिछले लंबे समय से सिद्धा कपूरवा निवासी अजय नाम का युवक खड़ा हुआ था। परिजनों ने बदनाम की दर से आनंद फानंद में युवती का विवाह कहीं और तय कर दिया। आगामी 10 मई को उसकी बारात आनी है। इधर सिरपरे आशिक को मालूम हुआ तो वो बौखला उठा, युवती के घर पर अपने सात साथियों के साथ पहुँच गया। गोरखपुर मंदिर गोरखपुर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा से प्रथम दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी ने व्यासपीठ से कहा कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। उसमें भी यदि शिववाती भगवान गोरखनाथ की तपोभूमि श्री गोरखनाथ मंदिर में अवसर प्राप्त हो तो महान सौभाग्य की बात है। ये भूमि भगवान के रस से पवित्र होकर तीर्थ बना है। गोरखपीठ शिव भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का घमासान अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और चुनाव प्रचार में दिख रही है। बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी का भव्य रोड शो निकला है, जिसमें सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी पहुंचे। जनपद के 5 स्थानों में राज्य जनसभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई है। तो वहीं प्रजापति समाज को भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर शहर की सरकार बनाने का जोर दिया गया। चरखारी से निकले भव्य रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों के साथ चरखारी विधायक और MLC भी शामिल हुए। साथ ही गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिला भी रोड शो में दिखाई दी। महोबा में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत को पूरी तरीके से झोंक दिया है। सत्ता दल के साथ साथ विपक्षी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। महोबा नगर पालिका की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा रोड शो करते हुए अपनी ताकत को दिखाया गया। इस रोड शो में सपा सरकार के पूर्व मंत्री और पसमांदा समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी भी शामिल हुए। रोड शो में सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील समर्थकों ने आमजन से की है। एटा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। दोनों गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत सुन्ना नहर के घने जंगल में 2 गौ तस्कर गौकशी के लिए पशुओं को रस्सी से बांधकर इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें थाना अध्यक्ष पिलुआ को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और एक पुलिस आरक्षी मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के सभी हनुमान मंदिरों पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें मिली। ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे भक्त कल देर रात ही लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में भीड़ लगने लगी थी। लखनऊ में कई जगह बड़े मंगल के अवसर पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। रायवाला थाना पुलिस के 36 ग्राम स्मैक सहित 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया। आरोपियों की पहचान पप्पू श्रीवास्तव और शहनवाज सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले का खुलासा SSP दिलीप सिंह कुंवर ने किया है। SSP ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी है, जिसमें सबसे अहम जानकारी ये मिली है कि स्मैक आरोपियों ने बरेली में रहने वाले आदेश तिवारी से खरीदारी की है। स्मैक रायवाला क्षेत्र में ड्रग डीलर सुनैना मल्होत्रा नाम की महिला को डिलीवरी की जा रही थी। निदेशन समिति की बैठक में जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। जिले के साथ ही मार्गदर्शन शासकीय योजनाओं दिशा निर्देश समिति को दिया गया। बैठक में सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर, तालुका जिला विकास अधिकारी, तालुका प्राप्त DPT कलेक्टर और शासकीय विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर महेंद्र मुजपुरा ने मंगल मार्गदर्शन किया है। सरकार की आगामी योजना के बारे में सभी अधिकारियों से चर्चा की और ये सरकारी योजना लोगों तक कैसे पहुंचेगी। सुरेंद्रनगर जिला कलेक्ट्रेट समिति के भीतर सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सरकार का एक सर्वेक्षण भी किया गया। जनता तक कितनी योजनाएं पहुंची हैं, कितनी योजनाओं का सर्वे बाकी है। रॉयल सर्कल बाईपास के बीच डंपर चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अक्सर डंपर चालकों के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई और ललितपुर नगर पालिका परिषद की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा है। इन सभी मामलों पर जिला प्रशासन से गंभीरता से संज्ञान लेने की अपील करते हुए प्रत्येक टेबल पर वीडियोग्राफी, अवैध मतों की गिनती और आरोप टेबल अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत ही चक्र की घोषणा की जाए तथा सुरक्षा हेतु CRPF, CISF, PAC की व्यवस्था की जाए। मीडिया के कर्मियों को मतगणना टेबल पर कवरेज करने के लिए कैमरे के साथ प्रवेश दिया जाए। शहर के मोहल्ला शांतिनगर निवासी राजू शर्मा और कल्लू पहलवान भाजपा नगर उपाध्यक्ष हैं और झांसी रोड पर इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिनकी बेटी साक्षी शर्मा अपने की 18 साल से रविवार रात को मकान की तीसरी मंजिल में स्थित अपने स्टडी रूम में पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर उसने खुद को मौत के घाट कर लिया। घटना के वक्त मकान के नीचे वाले हिस्से में छात्रा की माँ और दादी और छोटा भाई सो रहे थे, जिन्हें बात की जानकारी नहीं हो पाई। देर रात को जब पिता राजेंद्र शर्मा घर पर लौटे और बेटी रुकी को खाना खाने के लिए बुलाया तो अंदर से आवाज नहीं आई। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खोला, तब जाकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया।
हरदोई के रडियावा थाना के घुमोइया माजरा रावल निवासी 32 वर्षीय प्रेमचंद्र पुत्र गोविंद प्रसाद देर शाम को खेत पर गन्ने की फसल की रखवाली करने की बात कहकर घर से निकला। खेत के ही पड़ोस में उसी का दूसरा खेत तो जो कि खाली पड़ा हुआ था, प्रेमचंद का शव पड़ा हुआ मिला। खेत में उसका शव मिलने से वहां हड़कंप मच गया। प्रेमचंद के भाई प्रमोद का कहना है कि करीब 8 दिन पहले प्रेमचंद के खेत की मेड़ को लेकर गांव के ही नथुलाल से लड़ाई हुई थी। फिलहाल इस पूरे एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। अज्ञात कारणों के चलते युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लाठी डंडे कुल्हाड़ी और ईंट से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के गडरिया गांव का बताया जा रहा है। झांसी में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मोनी शाकिया ने 4 बहनों को बंधक बनाकर उनके साथ अश्लीलता की। इसके बाद पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची, सभी को मुक्त कराकर मामला दर्ज किया गया है। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष मोनी शाकिया की सोशल मीडिया बीमार में जिलाध्यक्ष की घिनौनी हरकत सामने आई है। ताकि इलाज में मदद करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने 4 बहनों को न सिर्फ बंधक बनाया उनके साथ अश्लील हरकतें भी की हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मैनपुर में निकाय चुनाव के मतदान होने के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में हार का डर दिखने लगा है। भाजपा छोड़ सभी निर्दलीय प्रत्याशियों और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी एक साथ आ गए हैं। भाजपा छोड़ मैनपुरी नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी विपक्षी प्रत्याशियों के एक साथ आकर प्रेसवार्ता की है। भाजपा पर मतदान के दिन जिला प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव प्रभावित करते हुए दर्जनों पोलिंग बूथ को लूटने तक के आरोप लगाए हैं। हरदोई में दबंगों ने मारपीट की है, पथराव किया है। दबंगों की दबंगई का लाइव वीडियो सामने आया है। एक अछौना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खजोहना ने मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। गांव के ही कोटेदार ने घर में चलाए ईंट पत्थर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आर्य नगर चौक के पास सड़क पर बनी बाजार को हटाया गया था। इसके विरोध में हरिद्वार जिले के कांग्रेस के 5 विधायकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही मजार हटाने पर हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों के विरोध के बाद संत समाज और बीजेपी खुलकर कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए। चारधाम यात्रा से लौट रहा एक वाहन देवप्रयाग के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को स्थानीय लोगों और देवप्रयाग विधायक की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कवायद लगातार चल रही है। इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में स्थित हुई प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता में 7 साल की आयु में अब्दुल्ला कबीर खान ने 2 मेडल जीते हैं। कांस्य पदक, स्वर्ण पदक की बॉक्सिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जीतकर अब्दुल्ला कबीर खान ने काशीपुर का नाम प्रदेश में रोशन कर दिया है। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से ज्यादा अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वो लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विश्व भौगोलिक परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। गंगा घाटों पर घूम घूम कर श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले गिरोह का मुनिकीरेती थाना पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने अलग अलग घाटों से श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जिनकी पहचान मनोज बाबू, राम राधेश श्याम, अमितलाल रवि कुमार, अमरजीत अशोक और सरोज निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर अपनी पहचान रखने वाले अभिनेता संजय मिश्रा ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान तुलसी मानस मंदिर के महंत रवि पन्नाचार्य ने अभिनेता संजय मिश्रा का स्वागत किया। संजय मिश्रा ने साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी माता के साथ लक्ष्मण झूला के गंगा घाट पर स्नान भी किया। स्मृति रानी अमेठी पहुंची। अमेठी नगर पंचायत में उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी अंजू कश्तौन के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए रोड शो किया। ठीक है, राजेश मशाला फैक्ट्री के समीप से रोड शो निकला। रोड शो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति रानी, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजीव नगरी और बीजेपी विधायक सुरेश पासी मौजूद रहे। अमेठी में दूध कर रोडवेज की बस चल गई। रायबरेली से यात्रियों को लेकर इन्होना जा रही थी। शिवरतगंज के गांव सिंहपुर के पास की पूरी घटना है। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन रोडवेज की बस चलकर राख हो गई। फिलहाल कोई यात्री चपेट में नहीं आया। ललितपुर जिले के थाना जाखलौन अंतर्गत 2 मोटरसाइकिलों की भीषण भिड़ंत में 8 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ललितपुर जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां से 3 की हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बिसौली में युवजन सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव डॉ. राकेश प्रजापति के आवास पर जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि 11 मई को द्वितीय चरण में निकाय चुनाव पर मतदान होना है, जिसके लिए सपा बसपा बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रसार और जनसभाएं कर रही है। बीजेपी सांसद बिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर संभल में किसान सड़क पर उतर आए हैं। पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं किसानों ने कहा है कि जब तक पीड़ित पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता, भाकपा का समर्थन जारी रहेगा। सबल नगर पालिका सीट के चुनाव में सपा विधायक इकबाल मसूद की पत्नी के खिलाफ निर्दलीय फरहाना को सांसद शक्रमान बर्क द्वारा लड़ाने के बाद विधायक और सांसद खेमे के बीच तलवारें खिंच गई हैं। सपा के दो खेमों की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। विधायक ने सांसद पर हर चुनाव में सपा की खिलाफत करने का आरोप लगाते हुए 2024 में शफीक रहमान बर्क को सपा का टिकट न मिलने की उम्मीद जताई है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के वासियों के चुनाव का बहिष्कार किया है। बिजली पानी रोड नहीं, किसी प्रत्याशी को वोट नहीं के नारे लगाए हैं। मोहल्ले की महिलाओं ने स्लोगन लिखा, बैनर भी लगा दिया। बिजली पानी रोड की समस्याओं से मोहल्लेवासी लगातार जूझ रहे हैं। पीलीभीत जनपद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीलीभीत पहुंचकर नगर पालिका परिषद बीसलपुर और नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के पक्ष में कमल के फूल पर वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग डबल इंजन की सरकार बना चुके हैं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीसलपुर और पीलीभीत में नगर निकाय का सर्वांगीण विकास करके उसे कर्ज को ब्याज के साथ चुकता करने का वादा किया। निन्याड़ कोर्ट परिसर के अंदर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी कानपुर राजमार्ग पर परीक्षा चौकी अंतर्गत ट्रक बना आकर गोला, तेज रफ्तार में आ रहा था ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। श्रावस्ती में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। IGRS पर अमित मेडिकल के विरुद्ध शिकायत की गई थी। बगैर लाइसेंस के अमित मेडिकल स्टोर चल रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं को सीज कर सैंपल भर दिया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।